सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के आज के कार्यक्रम में सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम स्वागत। एफिसियों के नाम संत पॉल का पत्र अध्याय 5 और वचन 20। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में यह लिखा गया है सब समय और सब कुछ के लिए प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते रहे। हम गाना सुनने वाले हैं, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, लेकिन हम प्रभु की स्तुति करें ही क्यों? सबसे पहले बात, प्रभु ने हम सबको नाम लेकर बुलाया है। वचन यही कहता है, इसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 45 और वचन 4। मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इज़राइल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया है, तुम मुझे फिर भी नहीं जानते। मतलब प्रभु हमसे यह कहता है कि हम कई बार उसे टुकराते हैं, फिर भी वो हमें उसके नाम अपने नाम लेकर हम सबको बुलाते हैं। वो हम सबको हमारे नाम से जानते हैं। पता नहीं आपका नाम जॉन होगा, आपका नाम मेरी होगा, लेकिन वो हम सबके नाम जानते हैं और हमको वो नाम लेकर बुलाते हैं। हम प्रभु को इस बात के लिए स्तुति करें कि वो हमारे नाम जानते हैं, हम कौन है, हम किस अवस्था में है, हम किस परिस्थिति में है, वो सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात, प्रभु हमें स्वस्थ करता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 और वचन 26, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आत्मा में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे भावना, प्रभु हमें स्वस्थ करने वाला प्रभु है। वचन यह भी कहता है कि उनके घावों द्वारा हम सब भला चंगा हो गए हैं। वो हमें स्वस्थ करने वाला प्रभु है, बस हमें पुकारने की कमी है। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें स्वास्थ्य दिया है। और तीसरी बात, वो हमें पापों से छुड़ाता है, स्वतंत्र करने वाला प्रभु है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 36, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि पहले हम पाप में थे, अंधकार में थे, लेकिन
उनके अपार प्रेम के कारण उन्होंने हमें स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पुकारते हैं उन्हें तो वो द्वार खोलकर हमारा प्रार्थना सुनता है। जब हम मांगते हैं तो वो हमें देते हैं। जब हम द्वार खटखटाते हैं तो वो हमारे प्रार्थना जरूर सुनते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गीत द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें।
दिल में तेरे लिए कोई ना जाने कोई ना माने किया जो तूने मेरे लिए कैसे बताए कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए कोई ना जाने कोई ना माने किया जो तूने मेरे लिए यीशु सचमुच महान है। यीशु सचमुच महान है, फिर भी उन्होंने हमारे बारे में सोचा है। यह बहुत बड़ी बात है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 और वचन 4-8 मैं पहले पढ़ूंगा। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूं, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन 5 को हम एक बार और सुने। तो सोचता हूं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। इतना ही नहीं, आगे वचन 6 देखेंगे कि ईश्वर जो इतना महान है, जो हमारे सृष्टि करता है, हम जो देखते हैं सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, स्वर्ग पृथ्वी जल बड़े बड़े पहाड़ सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, फिर भी हमारे ईश्वर ने आपके और मेरे बारे में सोचा है। और वचन 6 देखे पढ़े हम, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया, तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ ढाल दिया, सब भेड़ बकरियों गाय बैलों और जंगल के पशुओं को, आकाश के पक्षियों समुद्र की मछलियों और सारे जल जंतुओं को। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक तरफ हम देखते हैं कि हमारा ईश्वर इतना महान, उसे हम कहते हैं एल शदाई, जिसका मतलब है सर्वशक्तिमान। उसे हम प्रभु कहते हैं आदोनाई, जिसका मतलब होता है प्रभु। वो एल शदाई है, सर्वशक्तिमान है। तूफान जो उठते हैं उस पर, जो पानी चलते हैं सब पर हमारे ईश्वर का शक्ति दिखाई देता है। इंद्रधनुष में हम ईश्वर की शक्ति को देखते हैं। जो वर्षा होती है, जो बरसात गिरते हैं, जो पानी हम देखते हैं, उसमें ईश्वर की शक्ति दे। फिर भी ईश्वर ने आपके बारे में और मेरे बारे में सोचा है। मैं सोचता हूं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। इतना ही नहीं, ईश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है। सारे जो प्राणी हैं,
सारे जो जल के मछली है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी जो है, सब पर ईश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम हमारे ईश्वर को धन्यवाद दें और इतना ही नहीं उसकी आराधना करें कि उसने आपके और मेरे बारे में सोचा है। नए नियम में हम एक छोटे से भाग में देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 6-7-8। पेत्रस और उनके कई सारे मित्र मछली पकड़ते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। यीशु आते हैं और कहते हैं कि उस तरफ जाल बिछा दो और वहां पर वो मछली देखते हैं। बहुत सारे मछली पकड़ते हैं और जो हमें जिस वचन पर हमें ध्यान देना है वो 8वां वचन है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 8। यह देखकर शिमोन ने ईसा के चरणों पर गिर कर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। मतलब यहां पर पेत्रस ईश्वर को पहचाना, यही है सर्वशक्तिमान, यही है यीशु जो एल शदाई है, यही है यीशु जो अदोनाई है, जो प्रभु है, और हम ठहरे पापी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे ईसा मसीह, हमारे ईश्वर हम पर दोष ठहराने, दोष लगाने नहीं आए हैं, बल्कि हमें पापों से बाहर निकालने आए हैं। आइए हम प्रभु को स्वीकारें, प्रभु की आराधना करें इस गीत द्वारा। कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई
धरती आसमान अपनी शक्ति के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे क्या है इंसान जो तू उसे याद करे क्या है इंसान जो तू उसे याद करे क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे मेरा यीशु है कितना महान उसके जैसा कोई है कहां उसके चरणों में सजदा करूं वो ही तो है मेरा खुदा मेरा यीशु है कितना महान उसके जैसा कोई है कहां उसके चरणों में सजदा करूं वो ही तो है मेरा खुदा
विश्वास है कि आप सबको आज का कार्यक्रम पसंद आया। हम सब ने प्रभु की स्तुति और आराधना किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे ईश्वर महान है। हम उसे धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, लेकिन उसकी महानता इस बात में दिखाई देता है कि वो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो हम पर दोष नहीं लगाते। अगर हम हमारे पापों को छिपाएंगे नहीं, लेकिन हमारे पाप कबूल करेंगे और यीशु को जो महान है उसे स्वीकार करेंगे, तो आज ही के दिन वो हमें स्वीकार करेंगे और हमारे जीवन को बदल देंगे। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें। इस महान ईश्वर से हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को जोड़ लें। हे प्रभु, हे हमारे यीशु, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, अदोनाई हमारे प्रभु। फिर भी तू हम सबको, जो मनुष्य है, हमारा सुधी लेता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे कल्याण के बारे में सोचता है। प्रभु, हम सब पापी है और हमारे जीवन तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, है प्रभु, तू हमें स्वीकार कर, हमें एक नया जीवन दे दे प्रभु, ताकि हम सिर्फ तेरे लिए और बस तेरे लिए जिए। प्रभु, यह प्रार्थना प्रभु यीशु हम तेरे नाम पर करते हैं। आमेन।